हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका व्लॉगिंग वर्ल्ड। मैं हूँ मोनिका, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। मैंने सोचा इसको यही छोड़ देती हूँ, बट एक क्लैरिटी आप लोगों में भी आ जाए और उन्हें भी मिल जाए, इसलिए मैं ये वीडियो कर रही हूँ। और आपको, अगर मेरे आप वीडियोज़ रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको पता होगा मैं अभी शिरडी से लौटी हूँ। मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, बात करने में तकलीफ़ हो रही है, पर सोचा नहीं, एक क्लैरिटी देने के बाद ही मैं कुछ करूँगी। और सो फ्रेंड्स, ये सेंसिटिव टॉपिक इसलिए है, मैं जस्ट आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, और अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत। गलत हूँ तो भी बताइएगा कि मैं यहाँ गलत हूँ। मैं जस्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं जस्ट आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, आप लोगों के भी बहुत से फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस रहती है, हीरो हीरोइन कोई ना कोई आपको पसंद होता है, आप उनके फ़ोटोज़ डाउनलोड करते हैं, राइट? फ़ोटो डाउनलोड करते हैं और उनका अपना DP लगाते हैं, व्हाट्सअप हो जाए, फेसबुक हो जाए, कहीं ना कहीं आप लोग अपलोड करते हैं। तो आप लोग अपलोड किए, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है और ना आगे वाले को कोई नुकसान नहीं है। जस्ट आपने एक अपना मीन्स उनके तरफ आपको वो पसंद है बोल के एक स्टेप फॉरवर्ड दिखाया है अपने वो फ़ोटो अपलोड करके। तो क्या आपके जो फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस जो भी है, क्या वो आपको मैसेज करते हैं कि आपने मेरा परमिशन लिया मेरा फ़ोटो लगाने से पहले? आप मेरा फ़ोटो लगा नहीं सकते हैं, या फिर तुमने लगाया है मेरा फ़ोटो, निकाल दो। ऐसा कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस जो भी आपको पसंद है, उन्होंने आप लोगों के साथ किया क्या, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जैसे हम टीवी देखते हैं, टीवी सीरियल्स के हमें एक्टर एक्ट्रेस पसंद है, जैसे मैं नज़र टीवी शो देखती हूँ, मुझे दोनों भी पसंद है। और फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो मुझे अनुष्का शर्मा पसंद है, इलियाना डिक्रूज पसंद है, सलमान खान पसंद है। तो क्या मैं जब अपने वीडियोस मींस फेसबुक में या फिर उनके तरफ उनके बर्थडे का कोई विश वगैरह रहा, मैं एक फ़ोटो डाली अपने स्टेटस में, उनका बर्थडे रहा तो हैप्पी बर्थडे, उनको कुछ हुआ या उनकी कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो मैं जस्ट कुछ मैसेज लिख के पोस्ट कर देती हूँ अपने FB पे या फिर व्हाट्सएप पे, तो क्या वो एक्टर या एक्ट्रेस मुझे कॉल करके या मैसेज करके ऐसे बोलती है कि नहीं, तुम मेरा फ़ोटो यूज़ नहीं कर सकते हो, निकाल दो इसे, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ? जी नहीं ना, वैसे ही जैसे आजकल TV है, बिग स्क्रीन है, स्मॉल स्क्रीन है, वैसे ही आजकल YouTube भी बहुत ही फेमस हो गया है। जैसे आप लोगों को सभी को पता है, YouTube में भी आपके भी बहुत से यूट्यूबर्स फेमस फेवरेट यूट्यूबर्स होंगे, वैसे ही मेरे भी कुछ यूट्यूबर्स फेवरेट है जिनको मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स है बोल के मैंने एक वीडियो बनाया है माई फेवरेट यूट्यूबर्स के बीच में। उसमें बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो मुझे पसंद है। मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं तेलुगू हूँ, तो उसमें कोई तेलुगू यूट्यूबर्स भी है, हिंदी यूट्यूबर्स भी है, तो और एक ही नहीं, सिर्फ व्लॉगिंग्स के ही नहीं, बेबी केयर, पेरेंटिंग और किचन चैनल देखती हूँ मैं, मुझे गीताज़ किचन की गीता माँ बहुत अच्छी लगती है, तो इन सब के वीडियोज़ मैं देखती हूँ और ये सब मेरे फेवरेट है। तो क्या मैं अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के फ़ोटोज़ भी अपने पास नहीं रख सकती हूँ? मैंने तो कहीं भी उसका मिसयूज़ नहीं किया है, या मैंने उनको गाली देते हुए या वल्गर लैंग्वेज नहीं यूज़ किया, या फिर कोई उनकी अश्लील फ़ोटो को लगा के अपना चैनल प्रमोट करने की भी कोशिश नहीं की है। मैंने जस्ट मुझे ये पसंद है बोल के एक वीडियो बनाया है जिसमें मुझे मैसेज आया कि आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा फ़ोटो निकाल दे। मैंने बहुत ही अच्छे से बताया, ज़रूर निकाल दूँगी, मैं शिरडी में हूँ अभी, मुझे लौटने दीजिए, फिर मैं निकाल दूँगी, मैं निकालूँगी ज़रूर, पर मुझे इसका आंसर चाहिए कि आप लोग बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। मैंने तो कहीं भी गलती यूज़ नहीं किया, उनके फ़ोटोज़ का मिसयूज़ नहीं किया, ना मैंने उनको गाली दिया। ऐसे बहुत से लोग भी हैं जिन्होंने उनको गाली दिया है, उनके फ़ोटोज़ को, उनके वीडियोज़ को कॉपी करके इतना गलत कहा है, और उनकी आदत भी है कि वो जितना पॉजिटिविटी को लेती है, अगर हम कुछ अच्छा बोलते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, नेगेटिविटी को वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। पर उस समय में भी हम लोगों ने आपका साथ दिया। अगर आप सोचते हैं कि मेरे एक सब्सक्रिप्शन से आपका चैनल
को कोई लॉस नहीं हुआ, तो मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनके एक सब्सक्रिप्शन से आपके चैनल को लॉस भी हो सकता है। मैं तो जस्ट स्टार्ट की हूँ, मुझे कोई इनकम नहीं है यूट्यूब से, मैंने या फिर मैं आपका फ़ोटो रख के कोई इनकम नहीं करना चाहती हूँ। जस्ट मैंने एक रखा था कि मुझे ये यूट्यूबर पसंद है। इसमें भी अगर आपको गलत लगता है तो क्या, मैं जस्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जब आप किसी का पिक यूज़ करते हो, कोई फेवरेट हीरो हो गई या हीरोइन हो गई या फिर कोई पिक ये हो गया, तो क्या आप उन लोगों से पूछते हो कि क्या मैं, आप मेरे फेवरेट हो, मैं आपका फ़ोटो रख लूँ या मैं आपका फ़ोटो डाउनलोड कर लूँ? अगर सच्ची सच्ची बताइए, आपके मोबाइल में किसी भी हीरो का या एक्टर का, किसी एक्ट्रेस का फ़ोटो ही नहीं है, आपके कोई फेवरेट ही नहीं है? जैसे आपके कोई फेवरेट है वैसे हमारे भी फेवरेट है, और हम लोग को पूरा इंडिविजुअलिटी का है। अगर हाँ मैंने कहीं आपका फ़ोटो का गलत यूज़ किया है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैंने कुछ गलत भी नहीं यूज़ किया है। तो जस्ट मुझे इसका आंसर दीजिएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, जस्ट इतनी सी एक क्लैरिटी चाहिए थी मुझे आपके पास से। आपको बहुत से लोगों ने गलत भी कहा है, आप लोगों आपने उनके पास जाके कुछ नहीं कहा, जस्ट मैंने तो एक फ़ोटो ही यूज़ किया है राइट, और उसमें भी मुझे कहीं भी नहीं लगता है कि गलत है। मैंने जस्ट बताया कि आप मेरे फेवरेट हो, इसमें मैं कहाँ गलत हूँ? मेरा सलमान खान हीरो फेवरेट है राइट, अनुष्का शेट्टी मुझे अच्छी लगती है, इलियाना डिक्रूज मुझे अच्छी लगती है, तो वो तो कभी मुझे मैसेज नहीं करते हैं, मैं उनको फॉलो भी करती हूँ, उनके पिक्चर्स देखती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, तो उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं उनके फ़ोटोज़ डाउनलोड नहीं करूँ, उनके फ़ोटोज़ का यूज़ नहीं करूँ। मैंने तो किसी चीज़ का मिसयूज़ भी नहीं किया, फिर मैं कहाँ गलत हूँ? और आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपका फ़ोटो का मिसयूज़ कर रही हूँ? मैं तो कहीं भी मिसयूज़ नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। बस इतना सा एक छोटा सा क्लैरिटी के लिए मैं आई थी, मुझे बात करने में भी तकलीफ़ हो रही है, थ्रोट में बहुत पेन हो रहा है, पर सोचा नहीं ये वीडियो ज़रूर करूँगी मैं, तो चलिए बस इतना सा एक क्लैरिटी मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप भी ऐसे करते हो क्या? आप अपने फेवरेट जो भी है, एक्टर हो गया, यूट्यूबर हो गया, कोई भी हो गया, आपका भी कोई ना कोई फेवरेट होगा, आपने भी ज़ीरो से ही स्टार्ट किया। ओके, मैंने कहीं गलत नहीं किया है, जस्ट एक फ़ोटो यूज़ किया है आपका, जस्ट बताने के लिए, ये लोग मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे भी इनके जैसा ही बनना है। एक मोटिवेशनल जो होता है उसके हिसाब से मैंने लिया था, और कुछ भी नहीं सोचा था कि आप लोग, आपको इतना बुरा लगेगा, और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि जब मैंने कोई गलत किया ही नहीं है तो आपको इस चीज़ का बुरा क्यों लग रहा है। छोटी सी क्लैरिटी के लिए मैं आई थी, होप आपको भी क्लैरिटी मिल गई होगी कि मैं कहीं गलत नहीं हूँ। अगर गलत हूँ तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।